विकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है। महाराष्ट्र में विशेषतः बदलापुर में जो बच्चियों के साथ में जो हादसा हुआ है और महाराष्ट्र भर में जो माँ बहनों के साथ बेटियों के साथ बहन बेटियों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो असुरक्षता का माहौल बना हुआ है, वो हादसा भी इतना घृणास्पद है कि हमको उस शब्द का उद्गार करने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे परिस्थिति में ये सोई भी सरकार को जगाने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने, महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र बंद पुकारा हुआ है। हम आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, व्यापारियों को, यूनियंस को, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, इन सभी वर्ग को ये विनंती करते हैं कि इस बंद में शांतिपूर्वक सहभाग हो करके इस बंद को सरकार को जगाने में हाथ बटाइए। ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, तो ये इस राज्य में जो कायदा सुव्यवस्था मर गई है, ख़त्म हो गई है, सो गई है, आरोपियों को, दोषियों को इस राज्य में कायदा कानून व्यवस्था है बोल के उसको उसका डर नहीं है, तो सोए हुई सरकार को जगाना है, आपकी हमारी माँ बहनों की इज्जत को बचाना है, सुरक्षता जो ख़त्म हो चुकी है, प्रशासन जो सोया हुआ है, जो ऐसे गुनाहों की तकरार लेने के लिए जिसको 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, चार चार दिन, पाँच पाँच दिन लगते हैं, 12-12 घंटे तक के पुलिस उसकी कॉग्निगेंस नहीं लेती है, ऐसी सरकार को और प्रशासन को उसकी नींद में से जगाना है। इसलिए आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद होगा। मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, सभी संगठनाओं को, लोगों से विनंती है कि वो कृपया करके इस बंद में सहभाग करें, शांतिपूर्वक सहभाग करें। बंद का स्वरूप मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रक, ये सारी चीज़ें बंद करने का हम आह्वान करेंगे। सर, इसी घटना से संबंधित मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि 2-3 महीना पहले इस तरीके की घटना हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया और 2 महीने के बाद उसे फांसी की सजा दी गई। उसके बारे में मुख्यमंत्री बेहतर जानते होंगे और मेरे ख्याल से घटना होती क्यों है, सवाल ये होता है, और घटना अगर हो भी गई है तो पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे तक FIR नहीं लेता है, 2-2 दिन तक के उसका कॉग्निगेंस नहीं लेता है। यहाँ पे सवाल ये उपस्थित होता है, सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि गुनहगारों को कायदे का डर उनके दिल में नहीं बचा है। गुनाह कब होता है? जब कायदे का डर खत्म हो जाता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तब गुनाह होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल ईस्ट के कायदे यहाँ पर लावे, इसी शहर में अन्य पार्टी के लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाते हैं, कई बार आप लोग न्यूज़ चलाते हैं और वो लोग उसके पोस्टर बैनर पे लिखते हैं, जो मैं हमेशा देखता हूँ, मैं किसी पार्टी का और विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लिखते हैं कि वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हाथ काट दिए जाता है, फांसी दे दी जाती है, 24 घंटे में फैसला होता है, ईरान में होता है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैं वो नहीं कहूँगा, और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कल आपने किया और आज ये खत्म। कायदे का डर अगर किसी पर होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, ये जो होता है डर होता है कायदे का, वो डर कब खत्म होता है? जब प्रशासन सो गया होता है। जब शासन सो गया होता है तो इस सोए हुए शासन को जगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बंद पुकारा।